रोड है, रोड के किनारे पे, क्योंकि ये वो जगह थोड़ी ऊपर है तो बारिशों से पानी से बचने के लिए ना इन्होंने यहाँ पर घर बनाए हैं। और ये मंदिर बनाया हुआ है, ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, ये देखें, ये मंदिर है, इसी गांव का मंदिर है। ये पहले इस तरफ रहते थे कि वहाँ पे बारिशों की वजह से ना इनके घर वगैरह टूट गया था, तो ये रोड के किनारे पे मैं दिखाऊँ ना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मैं 2 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है। तो आज जो मैं हम गांव जाने वाले हैं वो बुरा कौन सा गाँव है, अभी मैं टंडो अलहर में मौजूद हूँ, मीरपुर खास से टंडो अलहर में। आज हम टंडो अलहर से चलेंगे टंडो आदम, टंडो आदम चलेंगे। अभी टंडो अलहर से हम जाने वाले हैं टंडो आदम, वहाँ पे जो विलेज है गांव वो दिखाऊंगा, और वहाँ के जो जो भी मंदिर होगा या जो जो गांव होगा वो आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिलहाल गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, अभी चलते हैं हम। जी गाइस, आज जो मैं आप लोगों को गांव दिखाने वाला हूँ वो यहाँ से टंडो अलहर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम उसी गांव में चलेंगे। चलो जी, यहाँ पर मैंने एक पहले भी व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। वहाँ पे एक मंदिर है बहुत बड़ा, बाबा रामदेव पीर का। तो ये देखें, केले की गाड़ी भरी हुई जा रही है। इस इलाके के लोग ना सबसे ज़्यादा केले का ही काम करता है, सिंध में ना सबसे ज़्यादा इस इलाके में केला पाया जाता है। टंडो अलहर से टंडो आदम तक ना केला ही केला है, हर जगह पे लगाया हुआ। तो आगे आप रोड में देखेंगे ना तो केले की खेत बहुत ज़्यादा आएगी यहाँ पर। जी गाइस, तो ये देखें रोड है, रोड के बराबर में नहर चल रही है और यहाँ से हम जा रहे हैं टंडो आदम की तरफ। गाइस ये देखें, ये ना टंडो अलहर की शुगर मिल है, चीनी बनती है, शुगर मिल है यहाँ की। जी गाइस, ये पूरा रोड ना इतना खूबसूरत होता है, हरियाली से भरा हुआ, क्योंकि एक तरफ जो है वो केले की खेत होती है, केले की फसल होती है यहाँ पर, और दूसरी तरफ ना ये आम के पेड़ होते हैं, आम लगाए होते हैं। और सिंध में ना सबसे ज़्यादा इसी इलाके से जो केला और जो आम है वो निकलते हैं, जो सिंधड़ी आम मशहूर भी है काफ़ी, वो इसी इलाके से आते हैं, टंडो अलहर टंडो आदम ये इलाके ना भिटिया तक, ये सारा आम और केला लगा हुआ है यहाँ तक। बाकी खेती ये कम लगाते हैं, दूसरी फसल कोई भी हुई ना, गेहूँ वगैरह इतनी नहीं लगाता जितना ये केला और ये आम लगाते हैं। ये लोग जैसे ये कैसे रह रहे हैं, ये भी सारे हिंदी हिंदू कम्युनिटी के हैं, ये एक पूरी बस्ती है इनकी। यहाँ पे भी वीडियो बनाने का दिल करता है कि वीडियो बनाए, लेकिन यहाँ पे कुछ जाए तो कुछ देखे आए बंदा, ऐसे खाली हाथ ना जाए, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत पुअर किस्म की है, तो इस वजह से नहीं जा पाते हम, वीडियो बनाने का तो कुछ नहीं है। ये भी देखें, इस तरफ ना हिंदू बस्ती है, ये भगवा कलर की आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ध्वजा लगी हुई यहाँ से, ये देखें। और इस तरफ भी देखें, ये भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं जो रहते हैं यहाँ पर, बस्ती बनी हुई है, और ये ऐसे उनके घर बने होते हैं, कच्चे मकान। ये पानी है, पानी के बाद बस्ती है, ये देखें पानी में, और सामने एक और आ रही है बस्ती, ये भी एक हिंदू कम्युनिटी की बस्ती है, और भगवा कलर की ध्वजा आप देख रहे होंगे। जी दोस्तों, ये भी घर आप देख सकते हैं, ये भी एक हिंदू गांव है, हिंदू कम्युनिटी का गांव है यहाँ पर। ये सारे हैं ना टंडो आदम रोड पे, टंडो अलहर से टंडो आदम रोड पे, ये एक ही रोड के मैं आपको गांव बता रहा हूँ, यहाँ पे इतनी मेजोरिटी रहती है, ये एक हिंदू गांव है।
और सामने आपको गांव दिखा दे रहा होगा, इसमें हम जा रहे हैं अभी। और रास्ता भी तो काफ़ी कच्चा है, रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे जब बारिश आ रही होगी तो चलना भी बहुत मुश्किल होता होगा। ये ऐसा कच्चा रास्ता बना हुआ है मिट्टी का, ये कोई यहाँ पे। आज के व्लॉग में मैं जो यहाँ पे मारवाड़ी हिंदू जो रहते हैं उनके घर दिखाऊँगा और कैसी कंडीशन है और कैसे इनके घर बने हुए हैं और ये क्या इनकी क्या सहूलत है, इनके पास क्या नहीं है। तो वही भूरा लाल लेके चल रहे हैं हमें। भूरा कौन सा गाँव है ये? तो ये अवामी कॉलोनी इसको बोला जाता है। हाँ, ये छोटा सा हमारा गांव है जो बहुत ही गुर्बत से और परेशानी के सामने रह रहे हैं। सारे हैं हमारे हिंदू कम्युनिटी के ही। हाँ, इनका घर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गेमरा। क्या नाम है? गेमरा। गेमरा नाम है इनका। ये आपका घर है? हाँ, ये इनका घर है। हम इनसे बात भी करेंगे और देखेंगे इनका घर के कैसी कंडीशन है। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, ये अपना गाँव दिखाएंगे और विज़िट कराएंगे। देखते हैं कि आपके गाँव में लाइट नहीं है? नहीं, लाइट भी नहीं है, गैस वगैरह कोई कुछ नहीं है। नहीं लगवाऊंगा। तो छोटा सा मंदिर भी पीछे बनाया हुआ है, वो भी मैं दिखाता हूँ और घर की कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखे तो ये इनका घर है और ये सामने छोटा मंदिर बनाया हुआ है और इस तरह का ये कुटिया बनाई हुई है छोटी सी, देखें यहाँ से। ये माता का मंदिर बनाया हुआ है और साथ में इसके साथ ही नहर है बाहर, अलग है। कुछ ऐसा सहूलत नहीं दी हुई जहाँ पे बच्चे गिर ना जाए। देखो यहाँ से बच्चे खेलते हैं वगैरह। इधर रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल। 10 साल हो गया इनके। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले या नीचे? पहले इस तरफ रहते थे कि वहाँ पे बारिशों की वजह से ना इनके घर वगैरह टूट गया था। तो ये रोड के किनारे पे, मैं दिखाऊँ ना, रोड है, रोड के किनारे पे, क्योंकि ये जगह थोड़ी ऊपर है तो बारिशों से पानी से बचने के लिए ना इन्होंने यहाँ पर घर बनाए हैं। और यहाँ पे ना कोई गैस है ना लाइट है, ऐसे ये इनकी कंडीशन है, रहते हैं। देखो ये इस तरह के कुछ घर बनाए हुए हैं इन्होंने। और ये मंदिर बनाया हुआ है, ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, ये देखें। ये मंदिर है, इसी गांव का मंदिर है ये। किनारे गांव बना हुआ है ना उनका, ये मंदिर है। ये मंदिर का वीडियो मैंने पहले ही बनाया था लेकिन मैं जानता नहीं था तो मैं इस गांव में नहीं गया था। मंदिर है, ये तो दोस्तों आपने देखा, ये एक गांव भी गांव था जो मंदिर भी था साथ में। और गांव वाले लोग ना हिचकिचा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, सही से पता नहीं रहे थे, कुछ भी पूछ रहा था तो वो बोल रहे थे बस। फिर भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई, आप लोगों को कैसी लगी। तो बाकी हम भूरे लाल से पूछते हैं क्यों गांव के लोग ना बात नहीं कर रहे थे इतना, ये लोग ना बात नहीं कर रहे थे इतने गांव से। भाई बात ये है कि यहाँ पे जो मजदूर आदमी है सारे, तो उसी के हिसाब से वो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो बोलने में थोड़े हिचकिचा रहे थे, पता नहीं कैसे। मतलब जो भी यहाँ पे जी रहे हैं ना, तो बस उसकी मेन जड़ यही है कि तैलीम उसके पास है नहीं, कोई वैसा। हाँ, तो वो पढ़े लिखे है नहीं, मजदूर है, तो वो ना कैमरा के सामने बात करने से डरते हैं। तो मोबाइल लेके आए, बोला कौन आ गया है। तो मैं पहली बार गया हूँ ना, तो उनको लगा कि कोई घर भर के पता नहीं क्या करेगा, क्या चीज़ है। तो वो घबराए थे, बोला नहीं हम बात नहीं करेंगे, आप भले वीडियो बना रहो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।